हलचल टीवी न्यूज। पटियाला में सरदार सतेंद्र सिंह सत्ता ग्रोवर को श्रोमणी अकाली दल की तरफ से पटियाला से कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर उन्होंने पंजाब सरकार और लोगों का धन्यवाद किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए और नशों से दूर रहना चाहिए। इस मौके उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अज पटियाला दे वार्ड नंबर 33 रघू माजरा विखे इत्थे दे नौजवान आगू जसकीरत सिंह मोनू ते उन्होंने साथियों वालों मेरे यूथ अकाली दल जिला पटियाला दे कोऑर्डिनेटर नियुक्त होने की खुशी विच इत्थों दे इलाके दे समुचे नौजवानों वालों मेरे सम्मान दे विच इत्थे समागम रखा गया। तो जो जिम्मेवारी मैनू सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जी, सरदार बिक्रमजीत सिंह जी मजिठिया, सरदार सुरजीत सिंह जी रखड़ा, श्री हरपाल जुनेजा जी वालों लगाई गई है, उस जिम्मेवारी बहुत ही तनदेही दे नाल निभावांगा। तो यूथ अकाली दल नू पटियाला शहर दे विच ते समुचे जिला पटियाला दे विच मजबूत करन लई मैं दिन रात एक कर देवांगा। तो आने वाले समय दे विच श्रोमणी यूथ अकाली दल दे जथेबंधक ढांचे का विस्तार किया जा रहा है, शहरी ते देहाती दोनों का, जिस दे विच काम करन वाले ते योग नौजवानों नू इस जथेबंधक ढांचे के एडजस्ट किया जाएगा ते योग जिम्मेवारियां दे नाल नौजवानों नू अगे लैके आंदा जाएगा। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करदा बादल साहब का जिन्होंने साडे परिवार से बहुत मेहर भरिया हथ रखे, क्योंकि असी बादल साहब तो अज 40 साल नाल अज जुड़े आए हैं और बादल साहब दी और श्रोमणी अकाली दल दी जिहड़ी असी सेवा निभा रहे हाँ वो अज मेरे बच्चे नूं बहुत वड्डा पूरे जिले का माण बख्शे। मैं बादल साहब का और सुखबीर बादल जी का, हरपाल जनेजा जी का, रखड़ा जी का, सारे समुचे लीडरशिप का मैं धन्यवादी हाँ जिन्होंने सानू इन्ना वड्डा माण बख्श के जिहड़ा नवाजिया। और मैं आस रखदा अगे तो भी बादल साहब जी साढ़े ते होर भी मेहर भरे हाथ रखणगे। और इन्ना ही कहंदे मैं क्षमा दा जातक हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ब्यूरो रिपोर्ट, हलचल टीवी। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।